जनपद रुद्रप्रयाग के धोलदीताल बाजार में कूड़े का ढेर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी का 2-3 महीनों से आता पता नहीं है, जिस वजह से सड़क पर कूड़े का अंबार लग चुका है। हैरानी की बात है कि संबंधित विभागों द्वारा कूड़ा उठाने और साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपया खर्च तो किया जा रहा है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। स्थानीय व्यापारियों, युवा छात्रों के साथ साथ आम राहगीरों का कहना है कि सफाई के नाम पर संबंधित संस्थाएं बड़े बड़े पोस्टर स्लोगन तो लगा देती हैं, मगर सफाई पर नजर नहीं रखती। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। इसके लिए तो ग्राम पंचायत ने व्यवस्था तो की थी स्वच्छता में, कि मतलब पूरे मार्केट का जो कूड़ा है इस कूड़ेदान में डालेंगे, और हाईकोर्ट के भी हमें आदेश थे। तो हमारे ब्लॉक से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो किसी कारणवश नहीं आ पा रही है, हमारी वीडियो साहब से बात हुई, उन्होंने कहा 1-2 दिन में गाड़ी आ जाएगी, साफ रहेगा। वैसे गाड़ी आती है, परंतु अभी कम से कम 1-2 महीने से नहीं आई यहाँ पर गाड़ी, परंतु किसी कारणवश नहीं आ पाई, परंतु आ जाएगी गाड़ी। परंतु हमारी ये जो व्यवस्था है अच्छी व्यवस्था है, और सरकार इस पर ध्यान देगी, विभाग इस पर ध्यान देगा, और 1-2 दिन में ये साफ हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के रूप में, यहाँ पे एक इस क्षेत्र का नागरिक हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कूड़ा लगभग 2-3 महीने से यहाँ पे किसी पंचायती विभाग के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है, पर यहाँ पे इसकी जो है सुचारू रूप से संचालित नहीं की जाती है, कि जो इस रूट पे ये एक मार्केट में बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पे, कूड़ा डालते हैं यहाँ पे, और साफ़ सफाई के मामले में यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएँ नहीं है। जैसे यहाँ पे अब यात्रा आरम्भ होने वाली है, उस प्रकार से यहाँ पे इसकी साफ सफाई में अहम भूमिका होनी चाहिए थी, पर जो विभाग ने जो गाड़ियां यहां पे लगाई हैं इसको कूड़ा प्रचलित करने के लिए, तो 2-3 महीने से यहां पे वो नहीं है, जिस कारण यहां पे काफ़ी गंदगी और बदबू, और अब गर्मी का यहां पे भी काफ़ी प्रकोप हो रहा है, जिस कारण यहां पे मच्छर हो सकता है, जिससे मलेरिया यहां पे आ सकता है। और फिर ये यहां पे जो है धार्मिक रोड है, मतलब यहां पे बद्रीनाथ जाने के लिए भी है, हेमकुंड साहिब है, तो अब यातायात यहां पे सुचारू होगा। तो अब लोग अगर कोई देखेगा इसको, तो आप देख सकते हैं यहां पे ये खाली भरा हुआ है, कूड़ा डालते किए पर इसको कोई साफ करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। व्यापारी हूँ यहाँ बाजार का, लेकिन यहाँ पे गंदगी की भरमार है। यहाँ पे ये देखो, आपके सामने ये कूड़ा देखो, 6 महीने से ये कूड़ा ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है, कभी गाड़ी लेने नहीं आती इसको, न सफाई होती है, बाथरूम के बुरे हाल है यहाँ, और पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, खाली पर्ची कटाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी व्यवस्था कीजिए।